मानव जीवन बड़ी कठिनाई से अत्यधिक पुण्य के साथ प्रभाव से मिलता है। इस अनुपम उपलब्धि से अपने जीवन को सफल बनाने और परलोक सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। सभी महापुरुष और धर्म ग्रंथ मानव को यही प्रेरणा देते हैं। ये विचार उपप्रवर्तक श्री पीयूष मुनि जी महाराज ने मकर संक्रांति के उपलक्ष में आराधना मंदिर में आयोजित विशेष धर्म सभा में प्रस्तुत किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि धर्म का सार सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि जीवन में धारण करना है कि जो व्यवहार अपने प्रतिकूल है वह किसी दूसरे के लिए भी नहीं रहना चाहिए। जो दिन और रात व्यतीत हो जाते हैं वे लौटकर वापस नहीं आते। धर्म करने वाले का समय सार्थक और धर्मी का निरर्थक चला जाता है। समय को पकड़ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। विशेष रूप से एक बार व्यतीत हो जाने के बाद तो इसके हाथ आने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। काम भोग मनुष्य को छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति अंग्रेजी वर्ष का पहला त्योहार है, जब सूर्य उत्तरायण में आता है और धनु राशि में मकर राशि में प्रवेश करता है। श्रद्धालु के शुभ तथा मंगल के लिए बृहद स्रोत पाठ सुनाया गया। प्रवर्तक डॉक्टर श्री राजेंद्र मुनि जी, श्री सुरेंद्र मुनि जी, महासाध्वी श्री श्वेता जी ने अपने प्रवचनों में धार्मिक प्रेरणाएं दी। मुनि स्वयमेश साध्वी प्रतिष्ठा प्रणम्या ने अपने भजनों से निहाल किया। हरियाणा पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन रणधीर गोलन, विधायक तथा मुख्यमंत्री हरियाणा के राजनीतिक सचिव किरण बेदी भी अपनी भक्ति भावना प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए। इस मौके पर सैकड़ों धर्म प्रेमी श्रद्धालु मौजूद रहे। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।